दोस्तों, हमारे चैनल RBSC हेल्प ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए फिर से नया वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप RBSC का अपना जो 10th और 12th क्लास का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद हम एक रिजल्ट से रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड करेंगे। उस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप अपना जो रिजल्ट है वो कैसे पता लगा सकते हैं। अभी जैसे कि आपको पता कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट मई एंड के अंदर या जून के अंदर आता है, लेकिन आप अभी पता लगा सकते हैं कि आप पास होंगे या फेल होंगे। उसकी एक ट्रिक होगी जो कि मैं आपको बताऊँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है कि आपका जो ब्राउजर फील्ड है उसमें आपको गूगल टाइप करना है, फिर आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपके पास गूगल का सर्च जो पेज है वो आ जाएगा। उस सर्च पेज में आप क्या करें, राज रिजल्ट NIC टाइप कर दें और आप इसके अंदर एंटर कर दें। जैसे आप एंटर करते हैं इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहला जो लिंक आ रहा है राज रिजल्ट NIC.in, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसको आपने ओपन कर लिया। जैसे आप ओपन कर रहे हैं आपको बहुत सारे फील्ड दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकेंडरी 2018 रिजल्ट, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 2018, सीनियर सेकेंडरी साइंस 2018, सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स 2018। आप 10th के स्टूडेंट हैं तो सेकेंडरी 2018 यहाँ पे क्लिक करें। ये 2018 का रिजल्ट से मैं आपको वीडियो सिखा रहा हूँ। तो जैसे 19 का रिजल्ट आएगा आप 2019 का, तो 18 की जगह यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 19 हो जाएगा अपने आप से। तो आप इस फील्ड के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसमें आप क्या करें, अपना जो XYZ रोल नंबर है वो रोल नंबर टाइप करके आप यहाँ पे सबमिट प्रेस कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और अगर आप कंट्रोल पी कर देते हैं तो उस रिजल्ट को आप वहाँ से प्रिंट भी करा सकते हैं। चलो बैक चलते हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो आपके पास ये तीन फील्ड है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप कर दीजिए, रोल नंबर टाइप करके आप इसको सबमिट प्रेस कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका रोल नंबर का फील्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप रोल नंबर एंटर करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट भी सिमिलरली ऐसे रिजल्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उनको रिजल्ट अपने सामने होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अब आपको पता लग गया कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। तो मैं एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि आप रिजल्ट देख के बगैर ही आप ये पता लगा सकते हैं पास होंगे या नहीं होंगे। गारंटी से मैं आपको बता सकता हूँ उसी वीडियो के अंदर, जो आपको 100% बता देगा अभी कि आप पास होने वाले हैं या फेल होने वाले। तो हमारी वीडियो को शेयर कर दें ताकि अपने दोस्तों को भी पता लग जाए कि उनको रिजल्ट कैसे दिखना है, और लाइक तो आप ज़रूर प्रेस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।